हेलो बच्चों, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, शेप्स एंड स्पेस के बारे में, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है? तो यहाँ पर चार वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं ना यहाँ पर। तो जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है शेप्स, और दूसरा है स्पेस, तीसरा है इनसाइड और चौथा आउटसाइड, ठीक है? इन चारों वर्ड्स का हमारे पास टोटल दो स्टोरीज है इस चैप्टर वन में, और इन चारों वर्ड्स का ना इन स्टोरीज से कनेक्शन है, एक नाता है आपस में, ठीक है? हमको उसको सोचना है और समझना है कि क्या नाता है ऐसा, ठीक है? तो जो शेप्स हैं और स्पेस है और इनसाइड आउटसाइड, इसको हम इस कहानी में देखेंगे, ठीक है? शेप्स मतलब होता है आपका आकार, ठीक है? चाहे वो गोलाकार हो, सर्कल हो, या फिर रेक्टेंगल हो, या ट्रायंगल हो, या स्क्वायर हो, और स्पेस होता है आपका जगह, ठीक है? ऐसे इनसाइड होता है मतलब अंदर की तरफ, और आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, ओके? तो यहाँ पर हम इन सारे वर्ड्स को अच्छे से जो है वो देखेंगे। तो भाई हम यहाँ पर ना स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरीज़ को, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इसमें पहली स्टोरी में तीन हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास एक अरब पर्सन है, दूसरा कैमल है, और तीसरा टेंट है। तो देखो, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक अरब पर्सन की और एक कैमल से, ठीक है? कैमल यानी ऊँट। भाई इट वॉज़ अ कोल्ड विंटर डे, बहुत ही ठंडा विंटर डे। विंटर एक सीज़न होता है, जैसे समर गर्मी का सीज़न होता है, ऐसे विंटर सर्दियों का सीज़न होता है। तो भाई बहुत ठंडा दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल पैक, जो अरब था ना वो यात्रा कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था कमर पे किसकी, कैमल की। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट, भाई अब वो यात्रा कर रहा था, उससे ठंड का मौसम था, तो रात को तो उसे आराम से सोना भी होता है ना, तो उसने क्या किया, टेंट को लगा दिया ताकि वो रात को अच्छे से गुजार सके, और उस टेंट के अंदर चला गया, वेंट इनसाइड इट। द कैमल वॉज आउटसाइड, बट लेकिन जो कैमल था ना यार, वो बाहर रह गया बेचारा। देखें आगे क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है स्टोरी में। जो कैमल होता है वो थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। क्या बोलता है भाई वो उसको, अरब पर्सन को, देखो, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर डाल सकता हूँ टेंट के, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडा है। तो जो अरब होता है वो कहता है ओके ठीक है, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम अपनी गर्दन को अंदर डाल लो, ठीक है भाई चलता है, देखते हैं आगे होता है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पर जो कैमल होता है वो थोड़ी और चालाकी दिखाता है और बोलता है, क्या मैं अपने आगे के पैरों को अंदर डाल सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडा है। तो जो यहाँ पर अरब होता है वो थोड़ा झिझक सा जाता है और बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड, बोलता है ठीक है, टेंट छोटा है बट क्या करें, तुम अपने पैरों को अंदर डाल सकते हो आगे के। फिर क्या होता है, कैमल जो होता है उसको अभी भी रास नहीं आ रहा होता, और वो बोलता है कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडा है। तो जो यहाँ पर अरब पर्सन होता है वो देखिए कितना डर सा जाता है, बोलता है ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, नहीं ये टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो यहाँ पर ऊँट भाई बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, चालाक होता है, वो क्या करता है, वो बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, वो कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ तुम बाहर चले जाओ। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो हालत है बेचारे की, वो कैसी हो गई है ठंड से, और ये कितने आराम से सो रहा है अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कैमल और अरब और टेंट का, तीनों का प्रॉपर यूज़ हुआ है, और शेप्स एंड स्पेस और इनसाइड आउटसाइड का भी प्रॉपर यूज़ हुआ है, ठीक है? जो यहाँ पर स्पेस था वो टेंट के अंदर था, और शेप जो था वो था कैमल का जो कि अंदर आ जाता है, और उस अरब पर्सन का जो कि बाहर चले जाता है, और इनसाइड आउटसाइड भी यहाँ पर इसी तरीके से यूज़ हुआ है। अगली स्टोरी हमारे पास जो है वो है वाइज ग्रैंड मदर की, यानी जो समझदार दादी माँ थी उनके बारे में एक स्टोरी है। देखिए कैसे समझदारी दिखाती है ना? तो ये कहानी शुरू होती है एक लैम्प से, एक मेमने से जो कि भेड़ का बच्चा होता है। वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, ठीक है? एक समय की बात है जब एक लैम्प अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा होता है, बेचारा दूर रहता है ना दादी माँ से, तो मिलने जा रहा होता है। देखिए क्या होता है आगे, ऑन द वे, वे कौन सा, ये वाला वे, इस रास्ते पर उसे कौन मिलता है, थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ, कौन मिलता है उसे, वॉल्फ मिलता है, वॉल्फ कौन है यहाँ पर, ये भेड़िया।
और भेड़िया उसे देखते ही क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्यों सोचता है वो, उसके लिए तो एक गिफ्ट था वो। कौन? जो आपका लैम्प था, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है वो थोड़ा डर जाता है, कौन? लैम्प। और बोलता है, प्लीज़ लेट मी गो, मेरे को जाने दो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ ना। यू कैन ईट मी वैन आई रिटर्न, तुम मुझे खा लेना जब मैं लौट कर वापस आ जाऊँगा। फिर यहाँ पर भेड़िया कहता है, ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वैन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। कौन कहता है? लैम कहता है, किसको? अपनी दादी माँ को। किसके बारे में? वोल्फ के बारे में, ठीक है। वोल्फ कौन? जो लैम को खाने वाला था। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, तो दादी माँ उसे एक तरकीब बताती है। दादी माँ कहती है, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। ओके, तो दादी माँ कहती है, तुम जाओ और अपने आप को छुपा लो, हाइड कर लो एक ढोलक में। और वो वैसे ही करता है, ही डिड सो। कौन? लैम। आगे क्या होता है, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। दादी माँ उस ढोलक को क्या करती है, रोल कर देती है, धक्का मार देती है रोड पर, और वो ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, और वो लुढ़कते लुढ़कते चलता रहता है। ओके, आगे जाके क्या होता है, द लैम सॉ द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। जो लैम होता है ना, लैम किसके अंदर है, इस ढोलक के अंदर। देखो ये जो दो छोटे छोटे छेद हैं इसमें, उससे देख रहा है वो सॉ कर लेता है, देखता है द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। वॉल्फ क्या कर रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है उसको रास्ते पर, ठीक है। डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे? कौन कहता है? वॉल्फ कहता है, किससे? ढोलक से। क्या तुमने कोई लैम देखा आते हुए यहाँ पर? ढोलक कहता है, नहीं भाई मैंने कोई लैम नहीं देखा, नो। उसके बाद क्या होता है, द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। उसको क्या होता है, उसको सस्पिशियस होता है, उसको डाउट हो जाता है, किसको? वॉल्फ को। किस पर? इस ढोलक पर। और वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे क्या होता है, बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम, द लैम रीच द होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, कौन? वॉल्फ। किसको? लैम्ब को। वो तब तक इस घर के अंदर चला जाता है और वो अपनी दादी माँ का शुक्रगुजार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसे ही थी, शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। साइज किसका था? लैम्ब का था, ठीक है। जो शेप था, आकार था, वो इसका था, और स्पेस किसके अंदर था, जो आपका ढोलक है उसके अंदर, और इस घर के अंदर, ठीक है। तो ये स्टोरी के कॉन्सेप्ट्स थे, होपफुली बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।